क्या आपको पता है बुखार या फीवर क्यों होता है? क्योंकि बुखार या फीवर बहुत ही कॉमन होता है और लगभग सभी इंसानों को ये हुआ है या होता है। लेकिन फीवर का असली कारण 99% इंसान को नहीं पता है, यानी कि वो नहीं जानता है कि फीवर क्यों होता है, फीवर होने का असली कारण क्या है। कोई इंसान ये भी बोलता है कि फीवर क्लाइमेट चेंजेस के वजह से होता है, कोई बोलता है ठीक तरह से लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करने के वक्त ये फीवर होता है, कोई बोलता है कि ये फीवर ऐसे ही हो जाता है, कोई बोलता है ये एक डिजीज होता है, और कोई इंसान ये भी बोलता है कि फीवर ठंड लगने की वजह से होता है। किसी का ये भी ओपिनियन है कि ये फीवर गंदा पानी पीने से भी होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सब कुछ बिल्कुल सही नहीं है, यानी कि इन सभी लोगों को असली कारण ही नहीं पता है फीवर का। इसीलिए बहुत तरह के मेडिसिन जैसे कि पैरासीटामोल या बहुत तरह के मेडिसिन खाता है। लेकिन क्या आपको पता है अगर आपको फीवर है और अगर आप पैरासीटामोल लेते हो तो आपके शरीर में क्या होता है? और अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा फीवर क्यों होता है, यानी कि फीवर होने का साइंटिफिक कारण क्या है, और अगर फीवर होता है तो ये आपके शरीर के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है। सब कुछ मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि आप फीवर को कैसे चेक कर सकते हो, यानी कि फीवर अगर आपको होता है तो आप कैसे पता लगा सकते हो, और चाइल्ड में फीवर यानी कि बच्चों में फीवर क्यों ज़्यादा से ज़्यादा होता है, सब कुछ साइंटिफिक वे में आपको मालूम चल जाएगा। देखिए, हमारे ये जो बॉडी है इसका टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, ये एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इसका एक डिग्री ऊपर या एक डिग्री नीचे ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर 100 डिग्री फारेनहाइट से भी ऊपर आपका टेम्परेचर चला जाता है बॉडी का, तब आपको फीवर होता है। लेकिन सवाल ये आता है कि फीवर आखिर होता क्यों है? तो इसके पीछे एक कारण है। हमारे ये जो बॉडी है इसका टेम्परेचर कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है यही बेसिकली हमारे शरीर में जितने तरह के भी टेम्परेचर से रिलेटेड फंक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है। और ये जो हाइपोथैलेमस होता है उसको एक्साइटेड करता है पाइरोजेंस। पाइरोजेंस एक प्रकार का बायोमोलिक्यूल चीज होता है जो बेसिकली हाइपोथैलेमस को एक्साइटेड करता है। अगर आपके शरीर में किसी भी वजह से ये जो पैथोजन होता है यानी कि बैक्टीरिया, वायरस या वेरियस टाइप ऑफ कीटाणु या जर्म्स जो आपके शरीर में बीमारी को पैदा करता है उसको पैथोजन बोला जाता है, और ये जो पैथोजन होता है वो अगर आपके शरीर में घुसता है तब आपके शरीर में बहुत तरह के डिजीज पैदा होता है। लेकिन अगर आपके शरीर में वो पैथोजन को नहीं ख़त्म किया गया तो आपके शरीर में धीरे धीरे जो बीमारी है या बहुत तरह से बीमारी आपके शरीर में होता है, और इस टाइम क्या करता है आपके शरीर में जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है यानी कि एक्साइटेड हो जाता है, और वो एक प्रकार का केमिकल रिलीज करता है जिसके वजह से आपके शरीर में जो टेम्परेचर लेवल है वो बहुत ही गुना बढ़ जाता है। और क्योंकि आपके शरीर में टेम्परेचर बढ़ जाता है और इस कारण से जो पैथोजन होता है यानी कि जो पैथोजन आपके शरीर में ऑलरेडी आ चुका है उसको वो डिस्ट्रॉयड कर देता है। क्योंकि आपके शरीर में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर में पैथोजन का कुछ भी नहीं होता है, और पैथोजन को डिस्ट्रॉयड करने के लिए ही आपके शरीर में जो टेम्परेचर लेवल होता है वो बहुत ही हाई हो जाता है, और आपके शरीर में जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है वो बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन को डिस्ट्रॉयड करने के लिए अपना जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको बढ़ा देता है, और वो जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर में जो बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन होता है वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि आप मान के चल सकते हो नॉर्मल जो आपका बॉडी के टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर में बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन का कुछ भी नहीं होता है, और उस वायरस या बैक्टीरिया पैथोजन को डिस्ट्रॉयड करने के लिए ही आपके शरीर में जो टेम्परेचर लेवल होता है वो हाई हो जाता है, और ये जो करता है वो करता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और इस वजह से जो बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी तरह का पैथोजन आपके शरीर में रहता है तो वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, और इस वजह से ही आपके शरीर में फीवर होता है, यही असली कारण होता है। और कुछ दिनों के बाद आपके शरीर में जो टेम्परेचर लेवल होता है वो नॉर्मल हो जाता है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फारेनहाइट। और भी दूसरे कारण से भी फीवर हो सकता है, क्योंकि फीवर बहुत ही कॉमन होता है। आपने बहुत बार नोटिस भी किया होगा कि अगर किसी भी तरह का डिजीज हो जाता है तो उसके रिएक्शन से या उसका साइड इफेक्ट से फीवर होता है, जैसे हो गया कैंसर या दूसरा कोई खतरनाक डिजीज। यानी कि फीवर दूसरे कारण से भी होता है, वो होता है किसी भी चीज़ों का रिएक्शन यानी कि साइड इफेक्ट से। और फीवर जो होता है वो आपके शरीर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जब आपके शरीर में फीवर होता है तब बहुत तरह के बैक्टीरिया, वायरस डिस्ट्रॉयड होने लगता है, और उस वजह से आपके शरीर में जो टेम्परेचर लेवल होता है वो बढ़ता है,
और इसीलिए ही आपके लिए फीवर अच्छा होता है। लेकिन बहुत सारे इंसान ये भी समझता है कि फीवर या जो बुखार होता है वो डिजीज़ होता है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा होता है, क्योंकि फीवर आपके लिए अच्छा होता है और 2-3 दिनों के बाद ये फीवर अपने आप नॉर्मल हो जाता है और आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो भी नॉर्मल हो जाता है। इसलिए फीवर आपके लिए अच्छा होता है। और जो पर्सन ये गलती करता है कि फीवर होने के तुरंत बाद ही पैरासीटामोल या किसी भी तरह के मेडिसिन को खा लेता है फीवर को कम करने के लिए, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप फीवर का मेडिसिन लेते हो, जैसे कि मान लीजिए पैरासीटामोल, तब क्या होता है, आपके शरीर में जो ऑलरेडी फीवर होता है उसका जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल कर देता है और नॉर्मल टेम्परेचर में ले आता है। और इस वजह से अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का पैथोजन या बैक्टीरिया वायरस रहता है तो ख़त्म नहीं होता है, यानी कि दिन ब दिन उसका जो क्वांटिटी होता है वो और भी बढ़ने लगता है। और आपको तो पता ही है ये जो फीवर होता है यानी कि हाई टेम्परेचर, ये आपके शरीर में जो बैक्टीरिया वायरस या पैथोजन होता है उसको ख़त्म करता है। और क्योंकि जब आप मेडिसिन ले लेते हो जैसे कि पैरासीटामोल, तब आपके शरीर में जो टेम्परेचर लेवल होता है उसको कंट्रोल कर देता है और इस वजह से ही बहुत तरह के पैथोजन वायरस बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होता है और ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि फीवर होने के तुरंत बाद ही किसी भी तरह का मेडिसिन ना ले, स्पेशली पैरासीटामोल, क्योंकि आपके शरीर के लिए फीवर अच्छा होता है और एक बेसिकली एक प्रोसेस होता है आपके शरीर में बहुत तरह के बैक्टीरिया वायरस को ख़त्म करने के लिए। इसीलिए आप ज़रूर इस बात को ध्यान रखिएगा, फीवर आपके शरीर के लिए अच्छा होता है। और एक क्वेश्चन ये भी है कि चाइल्ड यानी कि बच्चों में फीवर क्यों ज़्यादा से ज़्यादा होता है? क्योंकि जो बच्चा होता है उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो उतना पावरफुल नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट, और इस वजह से जो बच्चा होता है उसमें जो बैक्टीरिया वायरस या जो पैथोजन होता है उसका अटैक ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और अगर शरीर में पैथोजन या बैक्टीरिया वायरस ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करता है तब वही प्रोसेस होता है कि हाइपोथैलेमस अपना जो पायरोजेंस है उसके जरिए बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ाता है और उसको ख़त्म कर देता है, और इस वजह से बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा जो फीवर वो देखा गया है। आपके मन में ये भी सवाल आता है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर वो पैथोजन को ख़त्म नहीं कर पाए तो क्या होता है? तो देखिए, अगर आपके शरीर में जो पैथोजन लेवल उसका क्वांटिटी बहुत ही हाई रहता है, वायरस बैक्टीरिया का क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, तब आपको बाहर से मेडिसिन लेना पड़ता है और वो मेडिसिन आपके शरीर में जाकर पैथोजन जैसे कि वायरस बैक्टीरिया उसको ख़त्म कर देता है। यही काम होता है मेनली आपके शरीर में, यानी कि फीवर आपके शरीर के लिए अच्छा होता है और ये बेसिकली आपके शरीर को बहुत तरह के बीमारी से बचाता है और इस वजह से ही आपके शरीर नेचुरल वे में ठीक रहता है। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि फीवर क्यों होता है, फीवर होने से क्या होता है और फीवर होने के बाद क्या करना चाहिए। तो अगर मेरी ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक, हो सके तो इस वीडियो को आपका फ्रेंड के साथ कर दीजिए शेयर, क्योंकि यार आप सभी के लिए मैं इतना अच्छा अच्छा कंटेंट ले आता हूँ। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो कर ही देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो, तो हम सभी को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिस वजह से जो पावर होता है हम सभी का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और आई होप फ्यूचर में भी मैं इससे भी अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए ले आऊँगा, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, यानी कि आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड सब कुछ वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, यानी कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और अभी तक इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।